माय गॉड, अभिषेक मलान ने क्या कुछ नहीं सहा, अभिषेक को सल्यूट है, क्योंकि इतनी हिम्मत चाहिए होती है, इतना साहस चाहिए होता है इन सारी चीज़ों के लिए। जब आप बहुत बीमार हो, आपका उठने का भी मन नहीं करता है, उस वक्त अभिषेक मलान पहुंचे थे फिनाले में, किस तरीके से वो भी आपको बताएंगे। जब अभिषेक के मॉम और डैड मुंबई के लिए रवाना होते हैं, उस तक के उन्हें नहीं पता होता है कि अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो लोग सेट पर पहुंचते हैं बिग बॉस के, तब उन्हें पता चलता है कि अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। और उस वक्त उनकी मॉम रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे अपने बेटे से एक बार मिलने दो। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद अपने बेटे से उनको मिलने दिया जाता है। और जब फिनाले हो रहा होता है, आपने देखा होगा कि फिनाले में मतलब जो कि परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं, जो कि टॉप 5 होते हैं, उसमें अभिषेक का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, बिकॉज अभिषेक उस वक्त हॉस्पिटल में थे और उनकी उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। जो भी डेंगू से गुजरे होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि हाल कैसा होता है उस वक्त। बिल्कुल भी उठा नहीं जाता है, बॉडी में जान नहीं होती है, मन करता है बस लेटे रहो। वो भी आपको जब 11 से भी ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ चुके हों, तो उस वक्त सोचिए आपकी हालत क्या ही हो सकती है, तो उस बंदे ने क्या ही फील किया होगा। और फिर यहाँ पर वो परफॉर्मेंस वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जाती है। मनीषा और एल्विश उनको एक परफॉर्मेंस डेडिकेट करते हैं। और उसके बाद फोन आ रहा होता है जिस दिन फिनाले होता है, कि मतलब पेरेंट्स का भी डांस होगा, जैसे कि हमने देखा था कि सारे पेरेंट्स और जितने भी इलेक्टेड कंटेस्टेंट थे उन लोगों ने डांस किया था। तो फाइनली डॉक्टर से पूछ करके जाने दिया जाता है अभिषेक को। अभिषेक की हालत ठीक नहीं होती, अभिषेक बेड पर ही होते हैं, लेकिन अभिषेक चाह रहे होते हैं कि मुझे जाना है, कि मैंने 2 महीने इतनी मेहनत की है, इतना ज़्यादा यू नो हार्ड वर्क किया है, और एक ऐसा टाइम है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बहुत ही हिम्मत करने के बाद वो जाते हैं फिनाले में सिर्फ कुछ घंटे के लिए, और फिनाले में हो करके आते हैं। ये टाइम ऑफकोर्स अभिषेक के लिए भी सही नहीं था, और साथ ही उनके पेरेंट्स के लिए भी सही नहीं था। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, और ऐसा मोमेंट था ना कि कोई नहीं सोचेगा कि यार 2 महीने बिग बॉस के घर में गुजारा, ना जाने क्या कुछ नहीं झेला, और उसके बाद डायरेक्ट मतलब हॉस्पिटल में पहुँचे। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, तबीयत ठीक नहीं थी, चलो शुक्रिया ऊपर वाले का कि अभी वो ठीक है, लेकिन सच में एक सल्यूट है उनके परिवार वालों के लिए और अभिषेक मलहान के लिए स्पेशली, क्योंकि नो वर्ड्स गाइस, जो मैंने देखा है वीडियो कि अभिषेक की तबीयत इतनी ख़राब थी और वो हॉस्पिटल पहुँचे फिनाले से पहले, और उसके बाद फिनाले वाले दिन भी वो हॉस्पिटल में थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स ऑफकोर्स नहीं चाह रहे थे कि वो जाएं, लेकिन अभिषेक का मन था, जिसकी वजह से वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए फिनाले में जाते हैं। दिल से सल्यूट है अभिषेक आपको और आपकी फैमिली को, कि आपने इतना साहस दिखाया और इतनी मेहनत की, और उसके बाद आप फिनाले में दिखे। भले आप शो ना जीते हों, भले आप एक ट्रॉफी ना जीते हों, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने लोगों का दिल तो जीता है डेफिनेटली। आप एक चीज़ चाह रहे थे कि लोग, भले मैं ट्रॉफी ना जीतूं, लेकिन जब बाहर निकलूं ना तो लोग बोले कि अभिषेक मलान डिज़र्विंग विनर था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, आप एक डिज़र्विंग विनर थे, और भले आपने ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है। आप इस वक्त छाए पड़े हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप अभिषेक के लिए, कॉमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।